मिर्ची की अचार और ये इमली और मिर्ची के अचार बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है और बनाने में भी बहुत ईजी है। इसके लिए हमें इस तरह की लाल मिर्ची चाहिए, इमली 50 ग्राम इमली, अखरोट छुहारा 250 ग्राम लहसुन, एक चम्मच मेथी दाना, दो चम्मच राई, तीन चम्मच सौंफ। अब इसमें इसे पहले भिगो देते हैं सिरके में, सिरके में इसे डाल दें फूलने के लिए। करीबन 2 टेबल स्पून सिरका मैंने डाला है और इसे अच्छे से फुला लेते हैं। राई सौंफ और मेथी दाना को हल्का हल्का भून लेना है। एक एक करके हल्का हल्का भून लें। गैस ऑफ कर देते हैं ये 2-3 मिनट भून के, और अब क्या करेंगे, तेल गर्म कर लेते हैं। कम से कम 250 ग्राम तेल गर्म करेंगे अचार के लिए, और गर्म होने पे इसे डालेंगे पंचफोरन। अब इसमें डालेंगे ये 1 छोटी चम्मच हींग। ऐसे तेल गर्म करके अचार में डालने से अचार बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। लहसुन को छील के अच्छे से साफ कर लें और छुहारे का बीज निकाल लें। इमली का बीज जो निकलेगा ठीक है, नहीं भी निकलेगा तो इसमें मिल के अपने आप ये निकल जाता है, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निकालने में थोड़ा दिक्कत आता है इसे। तो फिर इस तरह से तैयार कर लिए हैं, अब इसे ग्राइंड करेंगे। इमली का बीज निकाल के सीधे रख दिए हैं, उसको नहीं पीसना था। और मिर्ची लहसुन अच्छा से इसको मिक्सी में चला के, और इसे तेल में जो तेल हमने गरम किया है, हींग और पंचफोरन डाल के जो गरम किया उसमें इसे डाल दें। और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर किया हुआ वाला मसाला और नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि अचार में नमक हल्का तेज रहता है तो खराब होने का डर नहीं रहता है। और इसमें प्रिजर्वेटिव देने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें सिरका पड़ा है, इमली पड़ा है, इसलिए ये अचार आराम से आपका टिकेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और बस 1 से 2 दिन धूप लगा दें। 1-3 धूप लगाएंगे। मिर्ची लिए हैं, कुछ लाल भी हो गए हैं और ये मोटे मोटे वाले, इसके अच्छे से साफ कर लें और डंठल इसका तोड़ लें। अगर साफ किए धोए हैं पानी से तो इसे धूप लगा के सुखा लें, ज़रा सा सुखा लेंगे और कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। और फिर इसमें लेंगे सौंफ, जीरा और धनिया पाउडर मैंने यूज़ किया, आप साबुत धनिया यूज़ करेंगे। साबुत धनिया को इन सबको हल्का हल्का भून लेना है, और अंगरेल और अजवाइन को एक साथ 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। आप इन सबको एक साथ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या अलग अलग ऑर्डर करके मिक्स करेंगे। तो चलिए सभी मसाले को अच्छे से पाउडर कर लें मिक्सी में, और फिर इसमें तेल 1 चम्मच तेल लेंगे सरसों का, और उसमें 1/2 चम्मच हींग को पहले तेल अच्छे से गर्म कर लें और फिर उसमें हींग डाल देंगे, और ये इसमें मसाला में अभी मिलाएंगे ताकि वो मसाला भरने में आसानी रहेगा। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आमचूर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 3 चम्मच, आमचूर 1 चुटकी इसमें देंगे नींबू से ताकि ये ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन टिकेगा। और इसमें डालेंगे नमक
सादा नमक भी डालेंगे और काला नमक भी डालेंगे। सादा नमक एक चम्मच, एक टेबल स्पून डालेंगे और छोटी चम्मच से डालेंगे काला नमक। इसमें मिर्ची डस्ट दे रहे हैं क्योंकि ये मिर्ची दिखा नहीं होता है। कर लें और फिर गैस ऑफ करके दो दो मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा करके ये मिर्ची, भरा हुआ मिर्ची डालेंगे और चला चला के निकाल लेंगे। ऐसा करने से अच्छे से तेल मिल भी जाता है और उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। ये दो से तीन दिन में खाने वाला हो जाएगा, मुझे धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। गैस ऑफ है, इसे ज़्यादा नहीं करना है, बस तेल एक बार गर्म करना है और उसी में चला लेना है।